नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज एक विशेष दिवस है, जून का तीसरा रविवार। एक ऐसे दिवस के रूप में मनाया जाता है जो दिवस वैसे केवल एक दिन नहीं लेकिन हर दिन मनाया जाना चाहिए। परिवार के एक ऐसे सदस्य को समर्पित जो परिवार का इंजन होता है, जो परिवार की देखरेख करता है, जो परिवार को शिखर की ओर ले चलने के लिए दिन रात परिश्रम करता है, सचमुच उसे तो सभी श्रद्धा से नमन करते हैं और आजीवन उसके ऋणी भी रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिता की, क्योंकि आज फादर्स डे है। फादर्स डे पिता को समर्पित, जो जिम्मेवारी पूर्वक परिवार के हर एक सदस्य की उन्नति के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए ही सोचते हैं। किसी ने बहुत सुंदर से पंक्ति कही है कि मैंने देखा है अपने पिता को दिन रात परिश्रम करते हुए, एक पल के लिए भी जो नहीं बैठे अपने आप को आराम देने के लिए। सचमुच बच्चों के विकास और उन्नति के लिए ही पूरा जीवन समर्पित। तो जो आज हमारे दर्शक पिता के रूप में स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, उन सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल की दुआएं कि आप जीवन में सतत विकास करें, उन्नति करें, आप दीर्घायु हों, शतायु हों। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज आपके लिए चलता हूँ सुंदर सुवाक्य की ओर। आंतरिक शक्तियों की ऊर्जा दिलाए हर कर्म में सफलता। शारीरिक या मानसिक, चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, हमारे हर एक कर्म में हमारी ऊर्जा अव्यक्त रूप से अपनी भूमिका निभाती है। हम भिन्न भिन्न देवियों की वंदना भी इसीलिए करते हैं क्योंकि हर एक देवी एक शक्ति के प्रतीकीकरण होती है और समय अनुसार हम यथाशक्ति के पूजन में मगन हो जाते हैं। ईश्वर एक ज्योति पुंज है एवं उस परम ज्योत से अखंड शक्तियों का जन्म होता है। ऐसा क्यों है कि कोई भी कर्म करने से पहले हम भगवान से शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मांगते हैं? ये वास्तविक सत्य है कि हमारे श्वास श्वास में उस परमात्मा की परम ज्योति की शक्तियाँ समाहित हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। उस महाज्योति ज्ञान सूर्य से प्रकाश धारण करके हम हर एक शक्ति आशीर्वाद और वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। मुझे रखकर छांव में खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है एक ऐसा फरिश्ता अपने पिता के रूप में। हर एक बच्चे के हृदय का एक सुंदर भाव। पिता स्वयं फटे हुए कपड़े पहने लेकिन अपने बच्चों को नए नए सुंदर कपड़े पहनाते हैं, उनकी हर कामना को पूरी करते हैं। हम सब इस बात से भली भांति अवगत हैं। बच्चे होते हैं तो नहीं समझ पाते, लेकिन जब बड़े होते हैं तब देखते हैं कि सचमुच कितना कठिन श्रम करके, कितना त्याग करके पिता अपने बच्चों को एक सुंदर मुकाम तक ले चलने के लिए परिश्रम करते हैं। मित्रों, आज फादर्स डे तो है ही, लेकिन साथ साथ विश्व सिकल सेल डे भी है। ये मित्रों एक वंशानुगत रक्त से संबंधित रोग है जो भारतवर्ष में भी और साथ साथ अनेक अफ्रीकी देशों में ज़्यादातर पाया जाता है। भारत में तो लगभग 150,000 इसके मरीज हैं। एशिया में ही लगभग 88% लोग इससे ग्रसित पाए गए हैं। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन इस एक ऐसा अणु पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन को विकृत कर देता है, जिसके कारण ये रोग होता है। क्या क्या हम सावधानियां रख सकते हैं और किस प्रकार से इस बीमारी से निजात प्राप्त की जा सकती है, उस पर ही आज सुंदर प्रकाश डॉक्टर साहब हम सबको प्रदान कर रहे हैं।
ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, सिकल सेल डिजीज आपने कई बार सुना होगा, इससे काफ़ी हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। नॉर्मल एक लाल रक्त कणिका की जो लाइफ होती है 120 डेज होती है, और जिनके अंदर ये वाला प्रोटीन डिसऑर्डर होता है, जो लाइफ होती है इन सेल्स की 10 से 20 दिन होती है, और ये बहुत जल्दी मर जाती हैं। तो हीमोग्लोबिन यूजली कभी 4 ग्राम, कभी 5 ग्राम, कभी 6-8 ग्राम। अगर आपका हीमोग्लोबिन बार बार नीचे जा रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के बाद भी, तो आप ज़रूर सिकल सेल टेस्ट कराएं या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएं, ये बीमारी डायग्नोज हो जाएगी। अगर आपको ये बीमारी है तो ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, कम से कम 8 से 10 गिलास या 12 गिलास पानी रोज पिए, मतलब आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचें। अगर आपको इन्फ्लुएंजा होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए आप वैक्सीन हर साल लगवा सकते हैं, जिससे कैसे इन्फेक्शन होने के चांस आपको बहुत कम। पॉल्यूशन से बचें, हैवी एक्सरसाइज से बचें, कोई वज़न उठाना, धूप में काम करना या कुछ ऐसी हाई अल्टीट्यूड पे जाना, बहुत ठंडी में भी नहीं जाना चाहिए, बहुत ठंडी में भी ज़्यादा चांस होते हैं प्रॉब्लम होने के। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपका ऐसा कोई सिम्टम है, बार बार आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, आपको कहीं पर दर्द, पेट में दर्द होता है, कभी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, चेस्ट में दर्द होता है, या आपके ब्रेन के ब्लड फ्लो में फ़र्क पड़ता है, उंगलियों में दर्दें होती हैं, या कुछ एक्सरसाइज करने पे पैरों में दर्द होने लगती हैं, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी होते हुए भी आप लंबा जीवन जी सकते हैं, अदरवाइज़ असमय हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओम शांति। मित्रों, हर मास के तीसरे रविवार को ब्रह्मा कुमारीज का पूरा विश्व परिवार 140 देशों में जो इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग करता है, ताकि सारे विश्व में शांति, सुख और आनंद के प्रकंपन फैलाए जा सकें, ताकि सारे संसार के जो विघ्न और समस्याएं हैं वो दूर हो सकें, सभी में आपस में एकता और भाईचारा स्थापित हो सके। तो बहुत ही सुंदर योग के प्रकंपन सारे विश्व में फैलाते हुए ये कार्य वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज कर रही हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि योग ही सभी के मन के तार को जोड़ सकता है और सभी के अंदर शांति को प्रवाहित कर सकता है, सभी के अंदर सुकून ला सकता है। और यही कारण है कि हम योग पर आपको लगातार योग एक जीवन दर्शन में सुंदर प्रकाश दे रहे हैं, ताकि आप भी योग को गहराई से समझकर इसके द्वारा अपने अंतर्मन को प्रकाशित कर सकें और साथ ही इस प्रकाश को जन जन तक भी पहुंचा सकें। राजयोग के द्वारा प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, सभी को मालूम रहे। प्रकृति भी सतो रजो तमो तीनों गुणों से पास होती है। अब आप जानते हैं प्रकृति में कुछ भी नहीं रहा, पानी दूषित, वायु दूषित जिसे प्रदूषण कहते हैं, धरती की उर्वरक शक्ति नष्ट हो गई है, मनुष्य ने संहार जैसा कर दिया है प्रकृति का, प्रकृति कुपित भी है। पर कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं जानता कि इस प्रकृति को शुद्ध कैसे किया जाए। बाह्य साधन थोड़े बहुत अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्योरिटी ही प्रकृति की आंतरिक शक्ति है, इनर पावर है। अब हमें भगवान के आदेश अनुसार इस प्रकृति को शुद्ध वाइब्रेशंस देके इसे भरपूर करना है, और ये काम केवल राजयोग के बल से ही किया जा सकता है। कोई नहीं समझ सकता कि प्रकृति को कैसे भरपूर किया जाएगा, खानियां जो खाली हो गई हों वो कैसे भरपूर होंगी। चलें थोड़ी देर के लिए, मैं चमकती हुई मणि, तेजस्वी परम पवित्र आत्मा उड़कर चली गई ब्रह्मलोक में, यहाँ चारों लाल सुनहरा प्रकाश है, ऊपर मेरे प्यारे परम पिता पवित्रता के सागर पति पावन हैं, उनके वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा,
मैंने अपने पापा से अमीर इंसान आज तक नहीं देखा। सचमुच चाहे गरीब हो या अमीर, हर पिता अपने बच्चे के लिए बादशाह ही होता है। जैसे पिता अपने बच्चे की हर कामना पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होता है, विचार करें जो परम पिता हैं, जो हम बचपन से जिन्हें याद करते हैं, जो इटर्नल हैं, वो भी हमारे लिए कितने सुंदर भाव रखते होंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर जाऊं, मेरे बच्चों का जीवन कितना सुकून से भरा हो, आनंद से भरा हो। तो मित्रों, आज फादर्स डे पर एक विशेष प्रस्तुति आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं फादर को समर्पित एक प्यारा सा वीडियो। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा वीडियो हमने देखा, परमात्मा पिता के साथ हमारे संबंध से जुड़ा हुआ। सचमुच यदि मन के तार अपने परम पिता से जुड़े हुए हों तो हमारा जीवन बहुत सहज और सरल हो जाता है, हम निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे जब तक पिता घर में बैठे हुए, हम कितने निश्चिंत होते हैं कि पिताजी बैठे हुए हैं ना, सारी जिम्मेवारियां उनकी हैं, सारी चिंताएं उनकी हैं, हम तो बस खेलते हैं, हल्के रहते हैं। वैसे ही यदि परमात्मा से नाता जुड़ जाता है तो हम बहुत जीवन में हल्के हो जाते हैं। तो अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ उन्हें अर्पित करके आप बिल्कुल जीवन का आनंद लें हल्के होकर। यदि तार उनसे जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन में हरियाली ही हरियाली रहेगी। और साथ ही मित्रों, अपने जो लौकिक पिता हैं उनके लिए भी हम अपने कर्तव्य को, अपने सम्मान को, अपने स्नेह को कतई ना भूलें। जो उन्होंने त्याग किया है हमारे लिए, हमारा दायित्व है हम उन्हें रिटर्न दें अपने प्यार और सम्मान के रूप में। तो आज पुनः फादर्स डे के एक बार आप सभी को बधाई देते हुए विदाई लेता हूँ इस वायदे के साथ कि कल पुनः इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।